नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज सुबह की बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में जो मर्डर हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस वीडियो में ब्रजेश राय मैनेजर के साथ झगड़े का एक वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। तभी वहां खड़े बाउंसर ब्रजेश को बेरहमी से पीटने लगते हैं और 45 सेकंड के इस वीडियो में मारपीट की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। गार्डन गैलेरिया मॉल में ब्रजेश की सोमवार रात पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। लॉस्ट लेमन के बाउंसर्स और बाकी स्टाफ इस पूरी वारदात में आरोपी हैं और ये जो फुटेज सामने आई है ये साफ दिखा रही है कि पहले बहसबाजी हो रही है जिसका वीडियो बनाना शुरू किया ब्रजेश राय ने और उनका फोन देखते ही किस तरह से भड़क गए इस पब के कर्मचारी और सीधा मारपीट में लग गए। पहला मुक्का शायद चेहरे पर लगा है ब्रजेश को और फिर उसके बाद पीटते पीटते आगे ले जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल से जहां पिछले सोमवार की ये वारदात है। मेरे सहयोगी वरुण जैन अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल से। वरुण, इस 45 सेकंड के वीडियो के जरिए अब साफ नजर आ रहा है कि किसने शुरुआत की मारपीट की। देखिए, बिल्कुल बेहद अनप्रोफेशनल बिहेवियर जिसे कहे वो लॉस लेमन का। मैं उसी लॉस लेमन के बाहर खड़ा हूँ जिसे अब जो नोएडा पुलिस है उसने सील कर दिया है और इसका जो लाइसेंस है वो डीएम के आदेश के बाद कैंसिल कर दिया गया है। बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लॉस लेमन एक नामी बार है जहाँ पर एक ब्रजेश राय अपने दोस्तों के साथ आता है, कुछ सुकून के पलों के लिए यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद इस तरीके से उसके साथ वारदात हो जाती है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जो ब्रजेश है वो आप देखेंगे गैलरी के अंदर आराम से खड़ा हुआ है। किसी मसले को लेकर उनकी बहस जरूर हुई है। उस बहस के दौरान जो ब्रजेश राय है वो अपना मोबाइल जेब से बाहर निकाल लेता है कुछ तस्वीरें बनाने के लिए, एक रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन वो रिकॉर्डिंग बनाना जो लॉस लेमन का जो स्टाफ था, जो बाउंसर से, उनको इस कदर नागवार गुजरा कि आप देखें तस्वीरों में किस तरीके से उसके चेहरे पर हमला किया जा रहा है। पहला मुक्का ब्रजेश के चेहरे पर मारा गया, उसके बाद जो स्टाफ था वो उसको पकड़ कर नीचे गिरा देता है, उसके बाद लात और घूसों से उसे पीटे जा रहा है। बेहद अनप्रोफेशनल तरीका है। अगर कुछ बहस हुई थी, पैसों को लेकर ये विवाद हुआ था, तो पुलिस को बुलाना चाहिए था, समझाया जाना चाहिए था। लेकिन और यहां एक और हैरानी की बात है वरुण, कि हमने थोड़ी देर पहले ब्रजेश की वाइफ पूजा से बात की और उनका ये कहना है कि अगर ब्रजेश कोई वीडियो बना रहे थे, कोई फोटो ले रहे थे अपने फोन में, तो जब उनकी वाइफ को उनका फोन मिला तो उसमें कोई भी ऐसी फोटो या वीडियो नहीं मिला। यानी कि ये भी पॉसिबल है कि ब्रजेश के फोन के साथ भी छेड़छाड़ की गई। देखिए, दोनों बातें हैं। अगर मैं पहले सवाल का जवाब दूं, ब्रजेश सीसीटीवी में नजर आ रहा है साफ कि उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उन्होंने उससे एक क्लिक करा, उस पर फ्लैशलाइट भी जलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा होता है, अगर कहीं भी कुछ झगड़ा होता है जो कोई ना कोई एक पक्ष उसका एक वीडियो बना लेता है जिससे वो कल को पुलिस के पास भी मामला जाए तो उनको दिखा सके कि किस तरीके का जो व्यवहार था वो पब का स्टाफ और बाउंसर कर रहा था। तो इसमें ब्रजेश ने किसी तरह का कोई गुनाह नहीं किया। रही बात ब्रजेश की पत्नी की पूजा की, उनके पास बाद में वो मोबाइल गया, उन्होंने उसके अंदर जो देखा कि अगर किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं थी तो साफ है कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो थी वो बाद में डिलीट की गई है या फिर डिलीट कराई गई है, जो कि बहुत बड़ा एक एविडेंस हो सकता है पुलिस के लिए कि आखिरकार किस तरह की बहस हो रही थी, क्या शुरुआत हुई, क्या बातचीत हुई और जिसके बाद जो स्टाफ था वो इस कदर एग्रेसिव मोड में चला गया कि उन्होंने पिटाई करना शुरू कर दी। तो एक फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाता है ब्रजेश के मोबाइल का, जो अब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है जिसकी जांच कराई जा रही है। वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। एक तो वो सीसीटीवी फुटेज जो गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर से एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज के पास है और दूसरी तस्वीरें हैं उन आरोपियों की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और एक को फरार भी बताया जा रहा है। कार्रवाई जो हुई है लॉस लेमन पब पे वो ये है कि इस पब का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, इसे सील कर दिया गया है और इसके अलावा पूरे गार्डन गैलेरिया मॉल में जितने भी बार और पब हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो बाउंसर्स नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर बाउंसर्स गुंडों का काम करते हैं और वहां आने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह से अटैक करते हैं तो फिर उनकी भूमिका पर सवाल उठता है। किस तरह से झगड़ा शुरू हुआ गार्डन गैलेरिया मॉल
भोपाल से जो ये फुटेज सामने आई है, जो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पहले बातचीत हो रही थी और फिर उसके बाद मामला इस कदर बढ़ गया कि बाउंसर्स ने अटैक किया, पीटना शुरू किया, पीट पीट कर ब्रजेश राय की हत्या कर दी गई। मेरे सहयोगी वरुण जैन लगातार गार्डन गैलेरिया मॉल से रिपोर्ट कर रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। 8 लोगों को वरुण गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, जो एक आरोपी फरार है, उसके बारे में क्या कह रही है पुलिस? देखिए, यही बेहद अहम हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे एक शख्स है जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और ब्लू जीन्स पहनी हुई है। पुलिस ने टोटल, नोएडा पुलिस ने 9 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि मारते और पीटते हुए नजर आ रहे हैं। 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 2 बाउंसर है और बाकी जो लॉस लेमन का जो स्टाफ है वो है। लेकिन ये नोवा शख्स कौन है, ये बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि जो ब्रजेश के दोस्त जो वहाँ पर मौजूद थे उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उनके साथ ये शख्स मौजूद नहीं था। जो स्टाफ है वो भी इस सफ़ेद कमीज वाले शख्स को पहचान नहीं पा रहा है। तो ये मिस्टर एक्स जिसने वाइट शर्ट पहनी है, ये कौन था जो वहाँ पर पहुँचा और उसने भी ब्रजेश के साथ मारपिटाई करना शुरू कर दी, ये पुलिस के लिए अभी तक सवाल बना हुआ है। 9 लोगों को मैंने जैसा बताया कि फुटेज के अंदर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि वो हमलावर थे, जिनमें से 8 की गिरफ्तारी हुई, जिनको पहचान भी लिया गया, लेकिन अभी तक जो नोवा शख्स है उसकी पहचान ही नहीं हो पाई है, जिसके चलते अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी होनी बहुत जरूरी है। मुकम्मल तफ्तीश तभी पहुंचेगी जब साहब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच जाएंगे। जी, ये बहुत बड़ी एक उलझन बनी हुई है पुलिस के लिए। जैसा कि आप कह रहे हैं वरुण, की जो नौवां आरोपी है इसकी पहचान ही नहीं हो पाई है। सफेद शर्ट में ये आदमी है और ये अभी भी फरार भी है और साथ ही पुलिस इस बात में भी अभी स्ट्रगल कर रही है कि ये आखिर था कौन। दूसरी बात वरुण, जब हम बात कर रहे थे ब्रजेश राय की पत्नी पूजा से, तो उन्होंने कहा कि उनके दोस्त जो हैं उनमें से किसी को ऐसी कोई चोट नहीं आई है। सिर्फ ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ब्रजेश की ही इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई की गई कि उनकी जान चली गई। बाकी दोस्तों के जो बयान है, क्या वो सब एक ही बात कह रहे हैं या वो भी अलग अलग सामने आ रही है कुछ बातें? देखिए, पुलिस का कहना है कि बेहद ओपन एंड शट केस है। जो उसके जो दो ब्रजेश की जो दोस्त थे, 7 लोग थे ये टोटल वहाँ पर, उन्होंने जो बयान दर्ज कराया उससे ये बात साफ हो गई है कि करीब 7,000 रुपये के आसपास का बिल आया था टोटल। 400-500 रुपये को लेकर विवाद हुआ था। और मैं देखिए इसके अंदर एक बहुत अहम बात आपसे कहना चाहूँगा। जी बोलिए वरुण। मुझे लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है, फ़ोन लाइन को दोबारा कनेक्ट करेंगे वरुण जैन के साथ। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई है वो है सीसीटीवी फुटेज की, और ये फुटेज है गार्डन गैलेरिया मॉल की, जहां पर शुरू होती है बहस। कुल मिलाकर 500 रुपये का एक का डिफरेंस था बिल में, उसको लेकर बहस शुरू होती है और बहुत ही आक्रामक रुख नज़र आ रहा है लॉस्ट लेमन्स पब के कर्मचारियों का और बाउंसर्स का। उसी को रिकॉर्ड करने लगते हैं ब्रजेश अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर, पर वो जैसे ही ये शुरू करते हैं वैसे ही एक आदमी उन पर अटैक करता है। उनके फेस पर मुक्का मारने का जो एक सीक्वेंस है वो भी सामने आया है, और उसके बाद ये लोग मारपीट करते करते आगे चले जाते हैं, आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। और हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि ब्रजेश राय की जान चली गई इस पिटाई के बाद इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। और ये सारी वारदात हुई है 25 अप्रैल को, पिछले सोमवार को, लॉस्ट लेमन पब्स में, जो कि गार्डन गैलेरिया मॉल में बहुत सारे पब्स हैं उनमें से एक है, काफ़ी नामी पब है। अब इस वारदात के बाद डीएम के आदेश के बाद इस पब को सील कर दिया गया है, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, और एक तरह से पूरा अनप्रोफेशनल जो बिहेवियर था लॉस्ट लेमन के स्टाफ का, उनके बाउंसर्स का, वो सामने आ रहा है। 7,000 का बिल था, उसमें सिर्फ 500 रुपये के ऊपर ये बहस शुरू हुई और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।